राजीव शर्मा लाइव मौजूद ने दरबार साहब तो राजीव की कुछ तस्वीर ने श्रोमणी अकाली दल दे वलो 103वां अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है ते अखंड पाठ साहब आरंभिक आज जा चुके ने बिल्कुल सरबजोत 103 साल जो ने श्रोमणी अकाली दल दे पूरे हुए ने और इसका जो स्थापना दिवस है वो हरिमंदर साहब के विच परिक्रमा दे विच जो गुरुद्वारा साहब है शहीद बाबा गुरबख्श सिंह उत्थे अखंड पाठ साहब आरंभे ने गए ने कुछ देर पहला अरदास दे विच सुखबीर बादल हरसिमरत बादल दलजीत चीमा होर तमाम जिहड़े सीनियर आगू ने अकाली दल दे ओ उस अरदास दे विच शामिल होए और इस वेले सुखबीर बादल दरबार साहब दे विच जो जोड़ा चार है उत्थे पहुंचे ने और उत्थे उन्हां वल्लों जोड़े साफ करन दी जिहड़ी सेवा है ओ कीती जानी है। इस तों बाद बर्तन साफ करन दी सेवा जिहड़ी है ओ वी उन्हां वल्लों कीती जाएगी। तां 3 दिन लगातार इसे तरीके दे नाल जिथे वह हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होणगे उत्थे ही वख वख तरह की जिहड़ी सेवा है वह भी उन्हां वल्लों निभाई जानी है और परसों यानी कि 14 दिसंबर नूं अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए जाणगे। उस वेले भी तमाम जिहड़ी लीडरशिप है अकाली दल दी वह पहुंचेगी और इस वेले जिहड़ियां तस्वीरां असीं साझियां कर रहे हैं यह दरबार साहिब का जो जोड़ा घर है उत्थे सुखबीर बादल और होर जिहड़े अकाली आगू ने सीनियर लीडर जिहड़े अकाली दल दे ने वह उन्हां दे नाल सेवा करन दे लई पहुंचे ने और 3 दिन यह सिलसिला इसे तरह ही जारी रहेगा और 14 दिसंबर नूं जदों अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए जाणगे उस वेले अकाली आगू जिहड़े ने वह उत्थे पहुंचे हुए अकाली दल के जिन्ने भी तमाम समर्थक ने उन्हां नूं संबोधन भी करनगे। तां कुछ देर बाद हो सकता है कि सुखबीर बादल मीडिया के नाल भी गलबात करन क्योंकि जिस तरीके दे नाल जो राजनीतिक समय हालात पंजाब दे विच बने हुए ने उस नूं लैके भी उन्हां दे नाल गलबात की जा सकती। पर फिलहाल जो श्रोमणी अकाली दल का 103वां स्थापना दिवस है उस नूं जो समर्पित अखंड पाठ साहिब है वह आरंभ किए गए और उस तों बाद इस वेले जोड़ा घर दे विच सुखबीर बादल जोड़े साफ करने की जी सेवा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव सुखबीर सिंह बादल दलजीत चीमा नु तस्वीरां च वेख्या जा सकता है होर केड़ी जो अकाली लीडरशिप होते पहुंची है बिल्कुल जिन्ने भी तमाम सीनियर अकाली लीडर होन चाहे वो गुलजार सिंह रड़ी के दलजीत सिंह चीमा तां तमाम जिन्ने भी सीनियर अकाली दल दे आगू ने वो पहुंचे हुए ने और अरदास समागम दे विच भी सारिया ने पहला शिरकत की और इस वेले तुसीं देख सकते हो कि जोड़ा घर के सुखबीर बादल और होर कई आगू जोड़े उन्होंने नाल इस वेले उत्थे मौजूद ने और उन्होंने वालों जोड़े साफ करने की जी सेवा है वो शुरू कर दी गई और जिस तरह मैं पहला भी दसिया कि अकाली दल वालों पहला तो ही ये जिहड़ा प्रोग्राम बनाया गया सी कि 3 दिन लगातार जिन्नी भी अकाली लीडरशिप है जिन्ने भी सीनियर लीडर ने वो 3 दिन हरिमंदर साहब के ही मौजूद रहेंगे और उन्होंने वालों वक् वक् समय से वक् वक् तरह की जी सेवा है वो की जानी। तो अज अखंड पाठ साहब आरंभ हुए ने और तुम देख सकते हो कि पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल और होर जिहड़े सीनियर अकाली आगू ने वो इस वेले सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं और 14 दिसंबर को अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाने ने भोग पाने बाद उत्थे जो संबोधन होएगा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का और होर जिहड़े आगूआं का तो वह भी काफ़ी अहम रहने वाला है। तो श्रोमणी अकाली दल के 103 साल जिहड़े पूरे हुए ने उसनों समर्पित एक पूरा जिहड़ा प्रोग्राम है वह उलीकिया गया। तो जिस तरह पहला भी असीं तस्वीर साझियां कीतियां कि जिथे अखंड पाठ साहब आरंभ हुए उत्थे सुखबीर बादल तो अलावा जिन्हें भी सीनियर आगू ने हरसिमरत कौर बादल और तमाम जिहड़ी लीडरशिप है वो उत्थे मौजूद सी और हुण वख वख जिहड़े लीडर वालों वख वख थावां ते वख वख तरह की जिहड़ी सेवा हरिमंदर साहब विखे वह की जानी और यह सिलसिला परसों जदों तक अखंड पाठ साहब के भोग पैणगे उदों तक इसे तरीके दे नाल जारी रहेगा। जी सरबजोत जी जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सानू तमाम जानकारी विखाने लई लाइव तस्वीर विखाने ते श्रोमणी अकाली दल अपना जो स्थापना दिवस है 103 साल उह मनाया जा रहा है तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तस्वीर वेखे जा सकते हैं सीनियर अकाली आगू दलजीत सिंह चीमा वक्त वेखे जा सकते हैं जोड़ा घर च उत्थे मौजूद ने सेवा इन्हां दे वल्लों कीती जा रही है। भाई यार मेरी बड़ी क्या देखो साइड पे हां सिक्योरिटी के डर में ऐसे भेजो होर
तस्वीरां लाइव तुहानू श्री दरबार साहब तो वखा रहे। इसके विचाले श्रोमणी अकाली दल के प्रधान बादल तस्वीरां वेखे जा सकते हैं। इसके विचाले सीनियर अकाली आगू दलजीत सिंह चीमा वेखे जा सकते हैं। जोड़ा घर च मौजूद ने ते जोड़ा साहब की सेवा जो है इन्हों के वालों की जा रही है। दरअसल अखंड पाठ साहब आरंभे करने रखवाए गए ने 14 दिसंबर को अखंड पाठ साहब के भोग पैणगे। श्रोमणी अकाली दल के वालों अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल का 103 साल स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन तक जो अकाली आगू इसी तरीके दरबार साहब रहेंगे, मौजूद होंगे, सेवा उन्होंने वालों की जाएगी। 14 दिसंबर को भोग पाए जाएंगे। सुखबीर सिंह बादल तस्वीर वेखे जा सकते हैं। जोड़ा घर च मौजूद ने, इन्होंने वालों सेवा की जा रही है। सीनियर अकाली आगू जलजीत सिंह चीमा के वालों भी जोड़ा घर च जोड़े साफ करने की सेवा निभाई जा रही है। इस विचाले हरसिमरत कौर बादल तमाम समेत तमाम जो अकाली लीडरशिप है वो श्री हरिमंदर साहब मौजूद है। 3 दिन श्री दरबार साहब जी सेवा करेंगे अकाली दल की। तस्वीर तुम देख पा रहे हो, तस्वीर ने श्री दरबार साहब दियाँ अमृतसर दियाँ लाइव, जिथे कि अखंड पाठ साहब आरंभे गए ने। 14 दिसंबर को अठवंड अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे। ने उसी सचखंड श्री हरिमंदर साहब साफ करने की जी सेवा है वो उन्होंने वालों निभाई जा रही है। और 3 दिन का जोड़ा पूरा प्रोग्राम उलीकया गया कि श्रोमणी अकाली दल का जोड़ा 103 साल स्थापना दिवस है उसको समर्पित अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए गए हैं। और आरंभता की जी अरदास है उसके भी वही गिणती अकाली दल के जोड़े तमाम सीनियर आगू पहुंचे और सुखबीर बादल तो इलावा हरसिमरत कौर बादल और जोड़े स्थानक आगू और पूरे पंजाब भर तो श्रोमणी अकाली दल के संबंधित आगू जोड़े ने अरदास शामिल हुए। अरदास तो बाद अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए और आरंभता तो बाद इस वे जोड़ा घर के सुखबीर बादल और तमाम जोड़े आगू ने वह पहुंचे ने। तो इसे तरीके पूरे 3 दिन क्योंकि जदों तक अखंड पाठ साहब के भोग नहीं पाए जाते उदों तक वख-वख तरह की जी सेवा है वो इस जो वख-वख जिस तरह बर्तन साफ करने की सेवा है, जोड़े साफ करने की सेवा है, लंगर छकाने की सेवा, तो वख-वख तरह की जी सेवा वो अकाली दल के तमाम आगुआ वालों निभाई जानी है। तो सुखबीर सिंह बादल इस वे जोड़ा घर के मौजूद ने, जिथे सेवा की जा रही उत्थे ही हरिमंदर साहब के होने वाली जी अलाही बाणी है कीर्तन है वो सरवण किया जा रहा है। और इसके पिछे इको एक जोड़ा पूरा प्रोग्राम उलीकण के पिछे इको एक मंतव है कि श्रोमणी अकाली दल का एक जोड़ा वाला इतिहास रहा है उसके बारे आने वाली जी पीढ़ी है उसको जाणू करवाया जा सके। और जड़िया कुर्बानिया का जिक्र अकाली दल के आगुआ वालों किया जाता है कि बहुत सारिया कुर्बानिया तो बाद अकाली दल होने के आया कि जो 100 साल स्थापना दिवस मनाया गया उस वे भी इस तरीके के प्रोग्राम उलीके गए थे। तो 103 साल जो ने वो श्रोमणी अकाली दल होने के आया हो पूरे हो चुके हैं। तो इसके चलद चलद ये जोड़ा समागम है
ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਜੀ ਸਰਜੋ ਜੀ राजीव असीं जिक्र करांगे जो 14 तरीक नूं इन्हां दा स्थापना दिवस है फाउंडेशन डे है जो संबोधन रहेगा श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दा ओह किन्ना अहम रहेगा देखो क्योंकि पंजाब दे विच भावें अकाली दल दी सरकार नहीं है पर अकाली दल एक पंथक पार्टी दे तौर ते जाणिया जांदा है और श्रोमणी अकाली दल दे नाल नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋੜੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਸਰਜੋ ਜੀ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ 103 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਤਮਾਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ
उस अरमता की अरदास शमूलियत उन्हों वालों की गई और जिदा ही अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे ने उस तो बाद जी सेवा है उसका सिलसिला जरा शुरू किया गया तो यह उदों तक जारी रहेगा जदों तक यानी कि 14 दिसंबर को अखंड पाठ साहब के जोड़े भोग पाए जाने ने उस तो बाद भी अकाली दल की जी लीडरशिप है वह सेवा कर तो बाद ही गुरु घर को जो है वह रवाना होएगी। तो अभी कह सकते कि तीन दिन जो है अकाली दल वालों सियासी जीडिया गतिविधियां ने उन्होंने उत्ते कि ना कि पूर्ण तौर पर रोक लगा हो सिर्फ से सिर्फ गुरु घर के समा बिताउण दा गुरु घर के लेखे समा लाउण दा जिहड़ा फैसला वह लिया गया तो इसे करके ही खुद जो अकाली दल के प्रधान ने प्रधान तो इलावा होर जिहड़ी लीडरशिप है इस तो इलावा MP हरसिमरत कौर बादल जो कि वह भी अकाली दल के नाल संबंधित ने बादल परिवार के नाल संबंधित ने तो वह भी अज सवेरे अमृतसर पहुँच चुके सी और सब तो पहला क्योंकि सब तो जरूरी सी कि अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाने क्योंकि परसों 14 दिसंबर को अकाली दल का जिहड़ा स्थापना दिवस है वह मनाया जाना तो जिदा ही अखंड पाठ साहिब के भोग पाए जाएंगे तो उसे कुछ जिहड़े आगुआं दीआं तकरीरां भी हो सकदीआं ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान तो इलावा अकाल तख्त साहिब के जथेदार भी उस दिन अपना संबोधन जो है वो कर सकते हैं पर सब तो जरूरी जो इस वेले तस्वीर यह है कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान तो इलावा जिन्हें भी अहुदेदार ने जिन्हें भी आगू ने उन्होंने सारे वालों ये समुचे तौर पर फैसला किया गया कि तीन दिन के लिए जदों तक अखंड पाठ साहिब के भोग नहीं पैंदे उदों तक पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो दरबार साहब विखे नतमस्तक हो के हर रोज सेवा करती रहेगी। तो जी लड़ी की शुरुआत हुई है कल भी इस तरीके दे नाल पूरा दिन किसी भी जेड़े किसी भी समय आगू जेड़े ने हरिमंदर साहब पहुंच के किसी भी तरह की सेवा जी निभा सकते हैं और परसों अखंड पाठ साहब के भोग पैने ने पर उदों तक यह जो सिलसिला सेवा का वो इस तरीके दे नाल सारे आगुआ वालों जारी रखा जाना है। जी सरबजोत जी जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सानू लाइव तस्वीर वखाउण दे लई ते लाइव तस्वीर श्री हरिमंदर साहब तो तुसीं वेख पा रहे हो अखंड पाठ साहब आरंभे गए ने इस विचाले 14 दिसंबर नूं भोग पाए जाणगे तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो सुखबीर सिंह बादल तस्वीर च नजर आ रहे ने जोड़ियां दी सेवा उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है जोड़ा घर श्री दरबार साहब दा जिथे की संगत जो वड्डी गिनती च उत्थे नतमस्तक हुंदी है इस दे विचाले उन्हां दे वल्लों जो है जोड़े इत्थे जमा करवाए जांदे ने ते जोड़ियां दी सेवा करदे होए श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नज़र आ रहे ने दर्जी चीमा सीनियर अकाली आगू वह भी तस्वीरां च वेखे जा सकदे ने होर भी कई सीनियर अकाली आगू उत्थे मौजूद ने उन्हां दे वल्लों सेवा कीती जा रही है इस तो बाद जो है लंगर दी सेवा जूठे भांड्यां दी सेवा तमाम सेवावां भी अकाली दल दे आगूआं दे वल्लों निभाईआं जाणगीआं। सुखबीर सिंह बादल तस्वीरां च नज़र आ रहे हैं इस विचाले हरसिमरत कौर बादल समेत तमाम अकाली लीडरशिप उत्थे मौजूद मैं कहे हम साथ हो मुख मारा जो
कैमरा